हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम एक अच्छे वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमें अच्छी जानकारी मिलेगी और शायद आप सभी को पता भी हो। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कोरोना से रिलेटेड अवेयरनेस की। आप सभी को पता हो कि अभी भारत के अंदर कोरोना के जो टू वेव्स हैं वो होकर जा चुके हैं, हम उनके टू वेव से होकर निकल चुके हैं और काफ़ी भयानक था। मतलब जो कोरोना के दो वेव आए थे, मतलब पहला तो कम था लेकिन दूसरे बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब केसेस आने लगे थे और काफ़ी बढ़ भी गए थे। लेकिन हमें इससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हमने पहले भी सावधानियाँ बरती थी, आज भी हमें उन सावधानियों को बरतना ज़रूरी है। क्योंकि भले ही आज मतलब सेकेंड वेव जाने के बाद केसेस कम क्यों ना आ रहे हों, बट हमें अभी ये नहीं भूलना कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कोरोना है एक ऐसी बीमारी जिसका अभी एक मतलब आप या इसको तभी मेंटेन मतलब इसको तभी इससे बच सकते हैं जब आप इसके जो चीज़ें मतलब जो सावधानियां हैं उनको अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो उनको उनसे परहेज करेंगे, मतलब तो आप अपनी सेफ्टी भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली की सेफ्टी भी कर सकते हैं और आप अपने समाज की भी सेफ्टी कर सकते हैं। और अगर इन इन चीज़ों को, इन रूल्स को अगर सभी फॉलो करें तो हर व्यक्ति अपनी सेफ्टी के साथ साथ समाज की भी सेफ्टी कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना मतलब जैसे अब हमारे देश में वैक्सीन भी आ गई है, मतलब कोविशील्ड और कोवैक्सीन करके, तो और लग भी रही है मतलब हमारे देश के अंदर। तो वैक्सीन तो लग रही है, उसके साथ साथ हमें अपनी जो इसके पहले भी हम मतलब वैक्सीन आने से पहले भी जिन चीज़ों को हम फॉलो कर रहे थे, जो उसकी मतलब जो रूल्स थे कोरोना से बचने के या उसको दूर करने के या उससे मतलब सेफ रहने के, वो तीन चार थे मतलब जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और हम पहले ही फॉलो कर रहे थे और आज भी हमें फॉलो करना चाहिए। भले ही आज केसेस कम क्यों ना आ रहे हो लेकिन कोरोना भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इस चीज़ को हमें अपने दिमाग में रखना ही है। तो दोस्तों आज हम फिर से इस वीडियो के थ्रू उन परहेज की बात करेंगे जिनको और उन रूल्स की बात करेंगे अगर हम उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और उन चीज़ों को परहेज करेंगे और उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपनी फैमिली की सेफ्टी भी कर पाएंगे और अपने समाज की भी सेफ्टी कर पाएंगे। क्योंकि आजकल के टाइम में हर जो यंगस्टर है, मतलब जैसे चाहे वो जॉब पर जाता हो, चाहे वो बाहर स्टडी क्यों ना करना जाता हो, मतलब तो जो बंदा स्टडी कर रहा है उसको भी स्टडी करने के बाद अपनी लाइफ में कुछ बनना है और कुछ बनने के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या अपने जीवन के जो ख्वाहिशें हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना है। और जो व्यक्ति पहले से ही जॉब कर रहा है अपने मतलब जीवन के अंदर, तो उसको भी जॉब करना है क्योंकि अगर वो जॉब करेगा तभी उसकी इनकम होगी, मतलब तभी उसने अपने फैमिली को चलाने के लिए या अपने घर को चलाने के लिए तभी उसकी वो इनकम आ पाएगी। और बिना जॉब किए वो अपने घर को नहीं चला सकता। तो मतलब आजकल के टाइम में आजकल मतलब आप जॉब करना तो ज़रूरी है ही, मतलब और कई लोग तो आज वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। और कई जहाँ पर मतलब ऑफिस लोग जाते हैं, मतलब तो वो एक कैपेसिटी वहाँ पे कर दिया है कि आप मतलब ऑफिस जा सकते हैं इतनी कैपेसिटी के साथ। तो मतलब एक नंबर फिक्स कर दिया है, मतलब कि 33% या जो भी मतलब ऑफिस के साथ होता है। लेकिन अब साथ में जो भी अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो जो ये जो इनके नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको भी हमें उन जगहों पर फॉलो करना चाहिए। तो आज हम उन चार पांच रूल्स के बारे में बात करेंगे जिनको हमें परहेज करना चाहिए अभी भी, उनको उन नियम्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी सेफ्टी कर सकें, अपने समाज की सेफ्टी कर सकें और अपनी फैमिली की सेफ्टी कर सकें। अगर हर व्यक्ति इन नियमों को फॉलो करे तो हर व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है और अपना जो भी वो काम कर रहा है वो उसको कर सकता है। तो दोस्तों पहला जो हमारा सेफ्टी का रूल था वो था हमें मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो चाहे हम घर पर हों या बाहर निकलते हों या कुछ भी बाहर खरीदने के लिए निकलते हों, तो पहली जो सेफ्टी का रूल है वो है हमें मास्क को पूरा का पूरा नाक से लेके नीचे तक, मतलब जो हमारे नीचे का एरिया होता है फेस का, नाक और फिर नीचे वाले एरिया तक मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मास्क को जब हम पहने तो हर व्यक्ति जब मास्क को पहनता है और जब बाहर जाता है तो वो कुछ भी बात वगैरह करता है या कुछ भी लेता है तो बाहर के जो हवा में, जैसे हमें सुना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कण होते हैं, हमारे ब्रीथिंग के थ्रू मुँह में नहीं जाते या नाक में नहीं जाते हैं, मतलब। तो पहला जो हमारा प्रोटेक्ट करने का अपने आप को तरीका है कोरोना से वो है मास्क को पहनना। तो
मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जब भी बाहर निकलते हैं, चाहे आप वो जॉब के पर्पज से बाहर निकल रहे हो या स्टडी के पर्पज से कहीं जा रहे हो या किसी काम के पर्पज से जा रहे हो या कुछ सामान बाजार से लेने के लिए जा रहे हो, तो आप सभी मास्क पहनकर जरूर निकलिए। इससे इसमें आपकी भी सेफ्टी होगी और जो दूसरे व्यक्ति होंगे उनकी भी सेफ्टी होगी। दूसरा जो रूल है हमारा, जब आप बाहर निकलते हो और आपके आजू बाजू में कोई भी पर्सन चल रहा होता है, तो उससे आप कम से कम 2 मीटर की दूरी को मेंटेन करो, मतलब दूरी बनाए रखें, अपने उस दूरी को मेंटेन कीजिए। इससे क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे बोलते हैं, मतलब तो सोशल डिस्टेंसिंग को आप जरूर फॉलो करें जब भी आप बाहर निकलते हो तो। और कोई आपके पास, अगर आप फॉलो कर रहे हैं और अगला बंदा फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उनको कह सकते हैं कि मतलब जैसे आप उनको बताइए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फ्रेंड या जो भी जानकार है उनको आप बोलिए कि आप, हर व्यक्ति जब उस चीज़ को फॉलो करेगा तब भी हम इससे मतलब इसको इससे सेफ रह सकते हैं। तो आप उनको ही बोलिए, अगर कोई इन रूल्स को मतलब पता नहीं है, जानते नहीं है, तो उनको बताइए, रिमाइंड करा दीजिए कि हमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है जब भी हम बाहर निकलते हैं मतलब। तो हमारा दूसरा रूल था सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। तीसरा जो हमारा रोल है वो है कि जब भी हम बाहर से आते हैं, चाहे वो कोई हम चाहे हम जॉब से आ रहे हों, चाहे हम कोई सामान लेकर आ रहे हों बाजार से या इंस्टीट्यूट से आ रहे हों या कहीं से भी आ रहे हों मतलब, तो आते ही हमें अपना हाथ पैर पूरा प्रॉपर तरीके से धुलना है। और उसके बाद जो भी हमने कपड़े वगैरह पहन रखे हैं मतलब उसको उतार कर साफ कपड़े पहनने हैं। तो हमारा तीसरा है हाथ पैर को अच्छे तरीके से धुल लेना जब भी हम बाहर से आते हैं मतलब, और हर 1 घंटे में हाथों को मतलब साबुन से धुलते रहना। तो यह हमारा तीसरा है, हाथों को हमेशा 1 घंटे में हाथों को साफ रखना और साफ सुथरा रहना, मतलब अपने हाथों को साफ सुथरा रखना ऑफिस से आने के बाद हर 1 घंटे में अपने हाथों को धुलना। जो हमारा फोर्थ रूल है, मान लो जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलते हो और किसी चीज को टच करते हो या कहीं बैठ, जैसे बस स्टैंड पे बैठते तो हाथ लग जाता है, ऑटो को पकड़ते हैं, बस को पकड़ते हैं या बाइक चलाते हैं या कहीं भी हमारा हाथ किसी चीज़ से टच हो जाता है मतलब, तो हमें नहीं पता उस जगह पर बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो अपने साथ हमेशा सैनिटाइजर रखना मतलब। तो आप अपने साथ हमेशा सैनिटाइजर रखिए और जब भी कुछ आप टच करते हैं किसी भी चीज़ को या पकड़ते हैं, उसके तुरंत बाद सैनिटाइजर को निकालिए और हाथों में लेकर उसको थोड़ा सा रब कर लीजिए मतलब, इस तरीके से सैनिटाइजर लेके अपने हाथों को साफ कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो अगर कुछ आपके हाथों में बैक्टीरिया वगैरह चिपका होगा मतलब या लग गया होगा, तो वो उस सैनिटाइजर से मर जाएगा और आपके हाथ फिर से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और जब ऑफिस से निकल कर ऑफिस ही पहुँचते हैं, तो वहाँ पे अगर सॉप वगैरह है या डिटॉल है, वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ पर भी अपना हाथों को जरूर धो लें, इससे आपका हाथ सेफ रहेगा और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। तो ये था मतलब हमारा चौथा पॉइंट, जिससे जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम सुरक्षित रहेंगे और हर जगह सेफ रहेंगे मतलब। और जो हमारा आज का पांचवा टिप्स ये है कि मतलब जो भी आप आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति है मतलब, और उसको मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ को कंफ्यूजन है या कुछ मतलब अवेयरनेस फैलाना मतलब इस चीज के प्रति, कि आप तो जागरूक हो ही मतलब उन चीज़ों के प्रति कि जो जो जिन जिन रूल्स को फॉलो करते हैं और किसी को पता नहीं है, तो उसको भी हमें अच्छे से समझा देना मतलब कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए मतलब, अपने दो मतलब जागरूकता की जानकारी देना घर के अंदर, कि हम घर के अंदर भी हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल आते हैं, तो हमें उनको पूरी जानकारी मतलब होनी चाहिए कि हम इसको हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं और उन बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 5 रूल्स या 5 चीज़ों को परहेज करना जिनसे हम कोरोना को फैलने से बचा सकते हैं और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रख सकते हैं। तो पहला था हमारा मास्क लगाना, दूसरा था हमारा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, तीसरा था हमारा अगर जब हम घर में आते हैं तो अपने हाथ 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 पैर को धोना और कपड़े चेंज कर देना मतलब साफ कपड़े पहन लेना। फोर्थ था हमारा जब हम बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर रख के निकलना है, और कुछ भी टच करते हैं तो अपने सैनिटाइजर लेके हाथों को वो मतलब वो थोड़ा सा रबिंग करके साफ कर लेना। फिफ्थ है हमारा अगर इसके बारे में और ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है इनके नियम्स के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा कोरोना अवेयरनेस पे आज का मेरा एक ये वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो या आपको कुछ डाउट्स हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। और तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपने फैमिली की सुरक्षा करनी है, और हर व्यक्ति अगर यही सोच ले तो हमारे पूरे समाज की सुरक्षा हो जाएगी। तो हमें अपना ध्यान रखना है, अपने फैमिली का और अपने समाज का भी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माई डियर फ्रेंड्स।